बीबीसी फिल्म रिव्यू की महफिल में आप सबका स्वागत है। एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। Can I say something first at least? पैसा जितना कमाओ उतना कम लगता है, पैसा जितना कमाओ उतना कम लगता है, जितना छुपाओ उतना डर लगता है। परदेश से देश का काला धन वापस लाने आए हैं कमांडो 2। इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म कमांडो 2 द ब्लैक मनी ट्रेल, जिसे डायरेक्ट किया है देवेन भोजानी ने, और इस फिल्म में नजर आ रहे हैं विद्युत जम्वाल और आदा शर्मा। आइए देखते हैं क्या कहना है फिल्म क्रिटिक्स का इसके बारे में। डेंजरस है, मैं दो वर्ड बोलूंगा, बाकी की कहानी तुम सुनाओगे। विकी चड्ढा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहारे कहती हैं कि ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर मिशन इम्पॉसिबल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में अगर एक खास बात है तो वो है विद्युत जामवाल के एक्शन स्टंट्स। फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना बीच में, ये आपको इतना इम्प्रेस नहीं करेगा। फिल्म में इतने सारे इलॉजिकल ट्विस्ट हैं। 2.5 स्टार्स। दैनिक जागरण के अजय ब्रह्मात्मज कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी ये है कि परदेश से देश में काला धन वापस लाने की कोशिश होती है। कहते हैं जो बात रियल जिंदगी में संभव नहीं वो फिल्मों में हो जाती है। फिल्म कमांडो 2 का एक्शन प्रभावशाली है। विद्युत जामवाल उन एक्शन सीन्स में कन्विंसिंग लगते हैं। एक्शन के साथ अगर थोड़ी कहानी भी होती तो और मजा आता। अभिनय और परफॉर्मेंस के लिहाज से इस फिल्म ने सभी निराश किया है। 2 स्टार्स। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स का कहना है कि पहली फिल्म कमांडो में तो विद्युत जामवाल ने आपको इम्प्रेस किया था अपनी कलर ही पट्टू स्किल्स के साथ, तो आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी इस फिल्म से। इस फिल्म में एक्शन आउटबर्स्ट जरूर है बीच बीच में, लेकिन इंटेंसिटी नहीं है। फिल्म में कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट हैं। द फिल्म इज ऑल अबाउट मसल्स। 2 स्टार्स। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता कहती हैं कि इट लुक्स एज इफ दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम मेनी हॉलीवुड फ्लिक्स। फिल्म में ग्लैमर है, एक्शन है, एरियल शॉट्स हैं, लेकिन फ्रेशनेस नहीं है। खूब सारे सरकारी स्लोगन्स हैं पर प्लॉट नहीं है। 1.5 स्टार्स। तो ऑन एवरेज फिल्म कमांडो 2 द ब्लैक मनी ट्रेल को मिले हैं 2 स्टार्स। जाते जाते आपको एक छोटा सा फिल्म ट्रिविया दे देते हैं। आपने एक्शन स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, सनी डियोल हैं, अजय देवगन हैं। सनी डियोल का एक डायलॉग भी याद होगा, ए ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है आपको पता है? वेल, इन्हीं के पापा धर्मेंद्र की एक फिल्म थी सीता और गीता। उसमें 2.5 किलो का नहीं 3 किलो के हाथ की धमकी देते हैं वो हेमा मालिनी को। देखिए, इस पर चिल्लाता गाएगा किधर की तरह, यूं ही पैर पड़ गया होगा। तेरा पैर तो रोज पड़ता है, और जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना तो फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार से चिपका दूंगा। अरे, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज और ट्रिवियाज के साथ हम फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी कमांडो 2। हेलो मम्मी, कमांडो 2 देखने जा रहे हो? मैं बताती हूँ कैसी है। हाँ, मैं बता रही हूँ, सुनो तो।